हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को तंदूरी पुलाव बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही ईजिली एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में अपने घर पे आप बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं तंदूरी पुलाव बनाना। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में आप एक कप दही ले लें। अब इसमें आप एक आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालें, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच कसूरी मेथी, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डालें और आधे नींबू का रस आप इसमें डाल दें। अब इसमें आप आधा चम्मच काला नमक डालें और एक पिस्कर की मदद से ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से एक बार मिक्स कर लें। ये सारी चीज़ें जब एक बार अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब इसमें हम वेजिटेबल्स डालेंगे जिनको हमें मैरिनेट करना है। अब इसमें यहाँ पर मैंने डाला है एक कप सोया चंक्स ले लिए थे, इन्हें बॉईल करके इसका पानी निकाल दिया है, इसमें डाल दिया है 200 ग्राम पनीर क्यूब्स में कटे हुए डाले हैं और 2 शिमला मिर्च इस तरह स्लाइस किए हुए मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब ये सारी चीज़ों को एक चम्मच की मदद से हल्के हाथों से आप अच्छे से मिक्स कर लें ताकि पूरा मैरिनेशन अच्छे से कोट हो जाए वेजिटेबल्स के ऊपर। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मैरिनेट करने के लिए आप इसे 2 घंटे के लिए ढक के फ्रिज में रख के छोड़ दें। 2 घंटे के बाद अब एक पैन को गैस में चढ़ाएं, उसमें 4 चम्मच तेल डालें, कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो मैरिनेटेड वेजिटेबल्स थे, जो जो चीज़ें हमने मैरिनेट किया था, उसको आप इसमें अच्छे से फैला दें और एक ईवन लेयर इसकी फैला दें ताकि ये अच्छे से हम इसे फ्राई कर सकें। आप इसे सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई कर लें जब तक ये लाइट गोल्डन कलर की नहीं हो जाती। जब इस कलर कि ये हो जाए तब इन्हें आप निकाल के साइड में रख दें और इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे आगे पुलाव में। अब एक और कढ़ाई को आप गैस में चढ़ा लें, उसमें 3 चम्मच घी डालें क्योंकि पुलाव हम घी से बनाएंगे। ये घी जब गर्म हो जाए तब उसमें आप 2 से 3 फूल चक्र डालें, 1 चम्मच जीरा डालें, 2 दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 2 तेज़पत्ता, 4 से 5 हरी इलायची। ये सारी चीज़ों को आप करीब आधे मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें घी में ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर आ जाए इसमें। अब इसमें आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस्ड इसमें डाल दें। अब इसमें आप 4 से 5 हरी मिर्च बीच से कटी हुई इसमें डालें, 1 कप फ्रेंच बीन्स बारीक कटी हुई इस तरह डाल दें आप इसमें। ये सारी चीज़ों को करिए आप 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से क्रिस्प हो जाएं। 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। मसाले में हमें डालना है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच गरम मसाला। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डालें और करीब 2 मिनट के लिए सारे मसालों के साथ इन्हें अच्छे से फ्राई कर लें। अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें चावल डालेंगे। यहाँ मैंने 3 कप बासमती चावल लिया था, इन्हें अच्छे से धो के इसका पानी निकाल दिया है। अब इसे भी आप अच्छे से वेजिटेबल्स के साथ फ्राई मिक्स कर लें और करीब 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लें। सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ मैंने 6 कप पानी डाला है, 3 कप चावल लिया था तो 6 कप हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद एक बार सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप इसे ढक के पकाएंगे और पकाने की एक टेक्निक है, 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 15 मिनट लो फ्लेम पे आप इसे पकाना है। उसके बाद आप गैस को बंद कर दें। आप बाद में देखेंगे कितने खिले खिले आपके चावल सारे तैयार हुए हैं। अब एक स्पैचुला की मदद से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें एक बार। ये सारी चीज़ जब एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें जो हमने तंदूरी वेजिटेबल्स बनाई थी और उन्हें फ्राई करके साइड में रखा था उसको आप पूरा इसमें डाल दें। ये हम बाद में इसलिए डालते हैं ताकि इनका जो फ्लेवर है वो मेंटेन रहे, क्योंकि अगर हम पहले ही चावल के साथ इन्हें पकाएंगे तो उसका फ्लेवर चला जाएगा। अब ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और आपका तंदूरी पुलाव एकदम तैयार हो चुका है। इसे गर्मा गर्म रायते के साथ सर्व करें। आई होप आपको मेरी ये डिफरेंट तंदूरी पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पर। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।